म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें ये लिखा है कि 88% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर पाए। मतलब अगर हमने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो हम 88% IIM वाले हाईली क्वालिफाइड लोग जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं उन्हें हरा सकते थे। 2023 में भी सेम हाल था, हर 4 में से 3 म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। इंडिया तो छोड़िए, अमेरिका में भी एग्जैक्टली यही हाल है। और हमें वॉरेन बफेट सर की शर्त के बारे में तो पता ही है कि उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट 10 साल में अगर कोई भी दूसरी पार्टी का म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट करता है तो मैं उन्हें 8 करोड़ रुपए दूंगा। और जब इंडेक्स फंड के साथ इन 5 म्यूचुअल फंड की शर्त लगी तो एक भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाया था। अब इसे एक कंक्लूजन तो क्लियर है कि भाई साहब चुपचाप से ही इंडेक्स फंड में पैसे लगा दो, बाकियों में क्यों लगाने। और साथ में हमें यह भी पता है कि अगर हम किसी RD में अगर पैसे किश्तों में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें 2.5 से 8.5% मिलते हैं, तो अगर हम 20,000 रुपए 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करें तो उसकी टोटल वैल्यू 1,18,00,000 के आसपास बैठेगी। लेकिन अगर हम SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते तो 12% के हिसाब से ये पैसा ऑलमोस्ट डबल होता, यानी 2 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्या होगा अगर हम इस 12% को 16% तक खींच पाए, तो ये पैसा RD के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना होगा। इसका मतलब है कि ये जो एक्स्ट्रा हमें 3 से 4% मिल रहा है वो लंबे समय में बहुत बहुत मैटर करेगा। तो सवाल ये है कि RD से 8% से 12% कैसे जाना है, वो तो हमें पता है इंडेक्स फंड के थ्रू, लेकिन 12% को 16% तक कैसे खींचा जाए, इन शॉर्ट इंडेक्स फंड को बीट कैसे किया जाए। अब आप बोलेंगे कि यार अभी तो हमने देखा कि इंडेक्स फंड को तो IIM से पढ़े ग्रेजुएट्स भी बीट नहीं कर पा रहे, तो हम कहां से बीट करेंगे। लेकिन इंडेक्स फंड को बीट किया जा सकता है, और वो है खुद इंडेक्स फंड्स की मदद से। इससे पहले कि मैं 3 मेथड शेयर करूं जिससे हम इंडेक्स फंड को बीट कर सकते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड हमारे पैसे एक्चुअल में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। देखिए इसे ऐसे समझिए कि लेट से अगर आपने 3 तारीख को SIP स्टार्ट करी तो म्यूचुअल फंड वाले आपके हर 3 तारीख को जितने भी पैसे होंगे उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन बात यह है कि हर 3 तारीख बराबर नहीं थी। 3 अप्रैल 2020 में कुछ एक्स्ट्रा हो रहा था, यानी इस टाइम मार्केट डाउन थी, तो अगर हमने इस टाइम पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो उसकी वैल्यू आगे चल के बहुत होती। तो इस टाइम पर अगर हमने 20,000 की जगह 80,000 पे एक्स्ट्रा डाल दी होते, यानी 1,00,000 रुपए डाल दिए होते, तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ होता। पर सवाल ये है कि मार्केट की वैल्यू कम है या नहीं, उसका पता कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास 3 स्ट्रैटेजी है, जिसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है RSI स्ट्रैटेजी, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रैटेजी। देखिए इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर आना है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करके निफ्टी 50 इंडेक्स स्टार्ट करना है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। स्टेप 3 में हमें यहाँ पर आकर मंथ सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। उसके बाद इंडिकेटर में हमें RSI सिलेक्ट करना है, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिससे ये चार्ट आपको स्क्रीन की बॉटम में दिखने लग जाएगा। उसके बाद हमें RSI की सेटिंग्स में आना है और RSI की लेंथ 2 सिलेक्ट करनी है। देखिए RSI क्या होता है कि वो नॉर्मली 0 से लेके 100 तक वेरी करता है, और नॉर्मल ट्रेडिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें 30 और 70 में बाइंग और सेल सिग्नल मिलते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हमें सिर्फ उस मंथ की SIP को इंक्रीज करना है जब इसकी वैल्यू 10 से भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 9.96, 9.3, 8.71 यहाँ तक चली गई थी, यानी इस वक्त पर जो हमारे महीने के SIP है उसका अमाउंट हम इंक्रीज कर सकते थे। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 9.33, 8.71 तक इसकी वैल्यू गई थी, और यहाँ पर भी हम अपने SIP के अमाउंट में पैसे ज्यादा डाल सकते थे। अगेन सेम चीज जून 2022 के आसपास भी हुई है, जहाँ पर इसकी वैल्यू 9.33 के आसपास गई। इन शॉर्ट नॉर्मल SIP के साथ साथ जब भी मार्केट में डिप आ रहा है उस वक्त हम उसी इंडेक्स फंड में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा यूनिट्स मिले, और जो हमें एवरेज रिटर्न मिल रहा है 12% के आसपास उसे आगे खिसका सके। मार्केट में डिप को पता लगाने का दूसरा तरीका है वॉरेन बफेट इंडिकेटर, जो कि खुद वॉरेन बफेट सर ने दिया है। इसके लिए हम गुरु फोकस वेबसाइट में आ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट सस्ती है या महंगी। तो वॉरेन बफेट के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमें मार्केट कैप को GDP से डिवाइड करना पड़ता है, और अगर इसका रेशियो 64% से कम आता है, यानी 0.64 से कम आता है, तो उस वक्त पर मार्केट बहुत ही सस्ती है, और इस वक्त पर हम अपनी SIP तो चलने देंगे लेकिन एक एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ये वैल्यू 82% और 100 के बीच में है तो मार्केट फेयर वैल्यू है, यानी नॉर्मल SIP चलने देंगे, और ये वैल्यू अगर 100% से ज्यादा है तो भी हम SIP के अलावा बाकी पैसे अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो वेबसाइट है गुरु फोकस, ये लाइव अपडेट होती है, और इसके अकॉर्डिंग अभी जो रेशियो चल रहा है वो है 97.71%, और अभी मार्केट फेयर वैल्यूड है, यानी जो नॉर्मल SIP है वो हम चलने देंगे।
इसी वेबसाइट में हम देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर को और एक्यूरेट करने के लिए इन्होंने डिनोमिनेटर में कुछ चेंज किया है। यानी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो लिया है टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जीडीपी प्लस टोटल एसेट्स ऑफ सेंट्रल बैंक, और उसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट सस्ती है या महंगी वो हमें इससे पता चलेगा। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अगर अभी हम देखते हैं तो मार्केट फेयर वैल्यूड है, यानी हम सिप में एक्स्ट्रा अमाउंट अभी नहीं डालेंगे। डिप को पता करने के लिए तीसरा तरीका आता है पीई रेशियो। तो नॉर्मली पीई रेशियो जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट को बताता है। अगर पीई रेशियो की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ही खुश है, यानी एक्चुअल में जो शेयर की वैल्यू होनी चाहिए उसके वो उससे ज्यादा पैसे देने को तैयार है। और अगर निफ्टी 50 की पीई की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ी डरी है और वो अच्छी चीज को भी सस्ते दाम में बेच रही है, और इसी वक्त पर हम अपने सिप के साथ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल सकते हैं। प्राइम इन्वेस्टर वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर पीई की वैल्यू 14.6 से 21.8 के बीच में आती है तो मार्केट थोड़ी सस्ती है और इस टाइम पर थोड़ा इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर पीई की वैल्यू 28.34 से 36.4 या उससे ज्यादा है तो मार्केट महंगी है, यानी नॉर्मल से चलने दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट मत कीजिए। इसके बीच के रेशियो में भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर इस चार्ट में भी दिखाया गया है, जिसमें डार्क ग्रीन का मतलब है कि यस मार्केट सस्ती है, इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है, और डार्क पर्पल का मतलब है कि मार्केट इस वक्त बहुत महंगी है, इसमें अभी ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर हम मई महीने की भी बात करें 2024 की तो इस वक्त पर जो वैल्यू है वो 21.61 है, यानी इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मार्केट हल्की सी सस्ती है और इसमें थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमें ये डाउट हो रहा होगा कि हमने तीन इंडिकेटर्स देखे, पीई इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मार्केट हल्की सी सस्ती है, बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यूड है, और आरएसआई इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 54.42 है, यानी यहां पर भी हमें बाइंग सिग्नल नहीं मिला है। तो अब कंफ्यूजन आती है कि ये तीनों इंडिकेटर अगर हमें अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं तो क्या ये डिप है कि नहीं, और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए इसे ऐसे समझिए, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक वैल्यू के बाद हमें एग्जैक्टली पता होता है कि यहाँ पर तो हमें नहीं खरीदना है, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हाँ ये तो खरीदना ही है, जैसे कि 2008 में हुआ था, कोरोना के टाइम में हुआ था एक्सेट्रा। लेकिन बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लरी है, यानी डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है, और इस वक्त पर हम इसे नो ही कंसिडर करें तो बेटर रहेगा। ऑल्दो अगर तीन में से दो इंडिकेटर हमें बोल रहे होते कि मार्केट थोड़ी सस्ती है और हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे भी पड़े होते तो शायद हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक घर की कीमत लेट से 1 करोड़ रुपए है और हमारी पेइंग कैपेसिटी 80 लाख रुपए है, तो हो सकता है किसी वक्त पर वो लैंडलॉर्ड उस 1 करोड़ के घर को 90 लाख रुपए में दे रहा हो। अब हमें पता है कि उसने हल्का सा सस्ता किया है, तो इस वक्त पर हम डिसीजन ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते। बट सबसे बेस्ट यही रहता है कि जब डेटा एग्जैक्टली क्लियर हो उसे ही फॉलो करें। अब लास्ट सवाल ये आता है कि यार ये बार बार ये मार्केट को देखेगा कौन, या बेस्ट तरीका क्या है मार्केट को देखने का, या फिर नॉर्मल मोबाइल के फोन में हर हफ्ते एक टाइम फिक्स कर सकते हैं जिस वक्त पर हम इन तीनों इंडिकेटर की वैल्यूज देखेंगे। दूसरा तरीका थोड़ा पेड है, जिसमें हम ट्रेडिंग व्यू या फिर स्क्रीनर की प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। तो जो भी आपको तरीका लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये जो तीनों इंडिकेटर है वो आपको मदद करेंगे एक बेटर इन्वेस्टर बनने के लिए। इंडेक्स फंड और इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत सी बुक लिखी जा चुकी है, जैसे कि लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, बीटिंग द स्ट्रीट, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट एक्सेट्रा। पर्सनल फाइनेंस पे ये सारी बुक समरी आप गीगल ऐप में सुन सकते हैं, जहाँ पर 250 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। तो आप इसे जरूर चेकआउट कीजिए, आई नो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और मुझे ये भी पता है कि एक बार इसको सुनने के बाद आप इसे अपने फैमिली मेंबर के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद।